किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील दत्त बिल्लोरे, सस्य वैज्ञानिक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे चर्चारत हूँ। यह समय सोयाबीन की बोनी के लिए उपयुक्त है। बारिश अच्छी हो रही है और आप सभी लोग सोयाबीन की बोनी कर रहे होंगे या किसान अन्य किसान भाई बोनी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बोनी के साथ में सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन का मैं आपसे चर्चा करूँगा। इसमें दो तरह की दवाइयाँ होती है, एक बोने से पूर्व उपयोग किए जाने वाली खरपतवार नाशक और द्वितीय बोने के तुरंत बाद उपयोग की जाने वाली खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोने के पूर्व, अर्थात सोयाबीन बोने के पूर्व हम इस दवाई का प्रयोग करें, जैसे कि इमाज़ेतापेर प्लस इसके साथ में पैंडीमिथिलिन, दोनों मिश्रित दवाई कंपनी से आती है। ये इसकी मात्रा 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें, और इसको छिड़काव करने के बाद में इसको मिट्टी में मिलाना आवश्यक है। तो पखर चलाकर इसको मिट्टी में मिला लें, उसके बाद सोयाबीन की बोनी कर दें। परंतु इन दवाई का उपयोग सूखी ज़मीन में न करें, ज़मीन में नमी होना आवश्यक है। तो यह सोयाबीन के बोने के पूर्व की दवाई थी। अब सोयाबीन की बोने के तुरंत बाद वाली जो दवाइयां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। ये दवाइयां सोयाबीन के बोने के बाद एवं सोयाबीन के उगने के पहले प्रयोग करना है, और जिससे कि आपका खरपतवार प्रबंधन हो सके। तो इसमें इस ग्रुप में जो नई नई रासायनिक दवाइयाँ आई है वो नई नई आई है, और उनकी विश्वसनीयता भी अच्छी है और काफ़ी अच्छी तरीके से खरपतवार का नियंत्रण करती है। तो इन दवाइयों, नई दवाइयों का उपयोग करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा और खरपतवार नियंत्रण अच्छे से होगा। तो इसमें सबसे पहली दवाई है डाइक्लोसुलम। यह 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी सल्फेंट्राजोन है, ये 750 ml प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव किया जा सकता है। या फ्लुमिऑक्साजिन जो 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। और उसके बाद में आता है एक पाइरोक्सासल्फोन नामक दवाई है, इसका उपयोग करीब करीब 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी है, इनका खरपतवार नियंत्रण बहुत ही अच्छा होता है इन दवाइयों से। इसके अलावा जो पुरानी दवाइयाँ आप जैसे सभी लोग जानते भी होंगे, पैंडीमिथिलिन 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या मेटलाक्लोर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इनका छिड़काव कर सकते हैं। और इन दवाइयों को छिड़काव करने के लिए आप, जैसा कि आप सभी देसी भाषा में हम कट नोजल बोलते हैं, फ्लड पेन और फ्लड जेट नोजल से इनका दवाई का स्प्रे करें तो इसमें दवाइयों की क्षमता अधिक मिलेगी, मारक क्षमता अधिक रहेगी। और इनका प्रयोग करने से हमारी करीब करीब सोयाबीन में 1 महीने तक कोई खरपतवार नहीं आता है। आप 20 से 25 दिन के बाद इन दवाइयों का यदि उपयोग करते हैं तो 20 से 25 दिन के बाद में एक सोयाबीन की फसल में डोरा चलाकर हम और भी अच्छे से सोयाबीन में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दवाइयों का उपयोग कर आप अच्छे से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।